हाय दोस्तों, आज हम बना रहे हैं इस मीटर में डीसी लाइट 3 वोल्ट, जो कि ये कबाड़ में मीटर पड़ा था, ख़राब मीटर। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद बनाते हैं हम इसमें 3 वोल्ट में डीसी लाइट चार्जेबल। कबाड़ में आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं से भी। ये छोटी सी लाइट है, बेहतरीन रोशनी करेगा ये। इस मीटर को हमने साफ कर लिया है बढ़िया करके, और अब इसको खोल लेंगे, इसका सारा सामान बाहर निकाल लेंगे। ये जो इसके लगे हुए हैं पेच जिसमें कसे हुए हैं, ये सारे काट देना हमें, कॉइल भी इसकी बाहर निकालना है। और ये जो सामने प्लेट दिख रही है, ये प्लेट हमें केवल रखना है, बाकी सब सारा सामान निकाल देंगे इसमें से। और चलो खोलते हैं इसको। बाकी सारा सामान निकाल दिए, खाली में प्लेट लगेगी। ये हमें हटा देना और ये भी हटा देना। ये बैटन लाइट की एलईडी है, जो कि कबाड़ में पड़ी थी बेकार, कबाड़ में से उठा के इसको लेके आए। अब हम इसको दो दो पीसों में काट लेंगे। ये ख़राब जो एक निकाल दी इसमें, बाकी दो दो पीसों में काट लेंगे। काट के इस प्लेट पर चिपका लेना हमें अच्छे से। उसके बाद इसका प्लस प्लस मिलाना है और माइनस माइनस भी मिलाना है, नहीं ये महीन तार लेके इसका प्लस प्लस मिलाना है और माइनस माइनस जोड़ना। जोड़ के कनेक्शन निकाल के कंप्लीट कर लेंगे इसको। उसके बाद स्विच के नाप लेके मीटर की बॉडी पर निशान ले लेंगे। ये निशान ले लिया स्विच का। अब इसको काइये की मदद से पिलका पिलका के निकाल लेंगे हल्के हल्के। यहाँ पे अपना गोल सॉकेट लेंगे चार्जिंग के लिए, जो चार्जिंग सॉकेट आता है उसके लिए। ये है चार्जिंग सॉकेट, ये भी मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, 5 रुपये के आसपास मिलता है। ये काट लेंगे काइये की मदद से आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना इसमें।
ये स्विच हमने इसमें लगा दिया है। अब इसमें जो एलईडी प्लेट तैयार की है वो एलईडी प्लेट इसमें लगा देंगे। ये देखें इस तरीके से फिट हो गई एलईडी प्लेट। मीटर का आगे शीशा आ जाएगा। ये एलईडी चार्जिंग के लिए लगाएंगे जिससे कि चार्जिंग शो करें। ये बनके 5 रेस्टेन और 4007 डाइवोल्ट है। डाइवोल्ट का प्लस वाला हिस्सा स्विच की तरफ रखना है हमें। पहले तो इसका एलईडी का नीचे तार लगा लेंगे नीचे वाली पिन पे। ये लगा दिए नीचे वाले पॉइंट पे। ऊपर वाले पॉइंट पे सेल का तार लग जाएगा। अब ये डायोड ले लेंगे। डायोड का प्लस वाला हिस्सा स्विच पे रहेगा। ये सफ़ेद पट्टी होती है डायोड में वो प्लस वाला हिस्सा होता है और माइनस वाला हिस्सा डायोड का चार्जिंग वाले सॉकेट पे रहेगा। बहुत ही सिंपल कनेक्शन है इसके। आप घर बैठ के बना सकते हैं आराम से इसको। इसमें हमने खाली दो चीज़ें मार्केट से खरीदी हैं, एक इसका स्विच और दूसरा चार्जिंग वाला सॉकेट। बाकी तो कबाड़ में मिल गया इसका सारा। ये सारे कनेक्शन हो चुके हैं, इसको हम बढ़िया से फिट कर देंगे। बढ़िया से फिट करना, सेल हिले ना। अब इसके कैप को लगा के बंद कर देंगे। हमने फिट कर लिया, उसको कैसे भी रख सकते हैं। इसको सॉकेट में चार्जिंग की पिन लगा के देखते हैं, चार्जर नहीं आई चार्जिंग। फिर से दोबारा लगाते हैं, आ गई चार्जिंग। अब देखते हैं रोशनी इसकी कितनी तेज़ है। देखो रोशनी काफ़ी तेज़ रोशनी है इसकी। देखो